सीपी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बता दें कि आज से 12 से कांग्रेस आरसीपी यात्रा शुरू करेगी। 12 में यात्रा के शुभारंभ अवसर पर जनसभा रखी गई है। दोपहर 1 बजे होने वाली इस जनसभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। आज यात्रा के शुभारंभ के बाद दिनों में प्रियंका गांधी भी दौसा के सीकराय में जनसभा करेंगी। बता दें कि 12 में आज जनसभा शुरू होगी। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल करने जा रही है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दशरथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? ईआरसीपी को लेकर हल्ला बोल होने वाला है दशरथ? देखिए, आज से विधिवत यात्रा का शुभारंभ कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 12 में एक जनसभा रखी गई है जिसको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, पीएम अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश पीसीसी चीफ समेत तमाम दिग्गज हैं वो इसको संबोधित करेंगे और उसके बाद इस यात्रा को शुभारंभ होगा। खास तौर पर ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। ईआरसीपी को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच लगातार सियासत रही है और अब चुनाव का समय, तो ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी और इशू निश्चित तौर पे बनाएगी। मुख्यमंत्री इससे पहले कहते रहे लगातार कि भले ही वो बनाए नहीं बनाए, हम ईआरसीपी को बनाकर रहेंगे। मतलब साफ है कि अब कांग्रेस खुलकर सड़कों पर आज से उतरने जा रही है और ईआरसीपी प्रभावित जो जिले हैं वहां पर कहीं ना कहीं जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि कांग्रेस अगर सत्ता में लौटेगी तो ईआरसीपी बनाकर दम लेगी, अगर बीजेपी आई तो ईआरसीपी नहीं बनाएगी। इसी मुद्दे को लेकर ये चर्चा आज एक जनसभा के रूप में यहाँ चर्चा की जाएगी और उसके बाद विधिवत इसका शुभारंभ होगा। 20 तारीख को दौसा के सिकराय में प्रियंका गांधी वाड्रा भी एक जनसभा को संबोधित करेंगी जो ईआरसीपी को लेकर है। जी प्रीति, दशरथ, जनसभा में बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे तो प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, दिग्गजों में खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे इस जनसभा को संबोधित करेंगे। वो जयपुर आएंगे, 1 बजे का वक्त रखा गया। प्रदेश प्रभारी इसमें शामिल होंगे, पीसीसी चीफ शामिल होंगे, कई मंत्री विधायक इसमें शामिल होंगे और खास तौर पे पूर्वी राजस्थान के साथ ही हाड़ोती जो बेल्ट है उसकी 17 सीटें, उस पर भी कांग्रेस की नजर है। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें 2018 में 17 में से 10 सीटें बीजेपी के पास है जबकि 7 कांग्रेस के पास है, तो इस बेल्ट पर भी कांग्रेस की नजर है और इसी के मद्देनजर 12 में ये जनसभा रखी गई है। दशरथ, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ईआरसीपी पर कांग्रेस जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। बाना जिला मुख्यालय पर कल कांग्रेस कमेटी द्वारा जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री गहलोत, प्रभारी रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बाना विधायक पानाचंद मेघवाल कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा है कि डोल मेला तालाब परिसर में जनसभा होगी। बाना से आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कांग्रेस करेगी। मेघवाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि ईआरसीपी पर साल 2017 में तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने 37,200 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का पूरा करने का वादा किया था, लेकिन आज ये परियोजना बीजेपी की बदौलत ठंडे बस्ते में है। राज्य सरकार इस परियोजना को लेकर प्रदेश की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश के 13 जिलों के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान खड़गे साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष सम्मान डोटासरा साहब व हमारे प्रभारी रंगावा साहब सहित पूरे 13 जिले के, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, संगठन के पदाधिकारी हो, ये 12 की धरती पर जो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो किसान के खेत को पानी दे सकती है, किसान को खेत मजदूर को पीने का पानी दे सकती है, 13 जिलों की जो ईआरसीपी जो परियोजना है जिसको 2017 में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार थी उस टाइम पर वसुंधरा जी, उन्होंने उसकी डीपीआर 37,200 करोड़ की जो डीपीआर बनाकर तैयार की थी।